रावर एकता जिंदाबाद 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 रावर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलते पाजी नहीं चलेगी। अभी शासन ने जो कानून पारित किया है कि हिट एंड रन ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा। आज के समय में ड्राइवर के पास में इतने पैसे अगर होते तो सबसे पहला विषय तो ड्राइवर ही नहीं करता, और सपोज अगर उसने ड्राइवरी कर भी लिया और उसको अगर सजा हो रही 10 साल की, तो 10 साल के सजा के भीतर में उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा, उसके परिवार की जिम्मेवारी कौन उठाएगा। सबसे पहले प्रशासन ने कानून निकालने के पहले ये सोचना चाहिए था कि ये कानून हम कैसे पारित करें और कानून ड्राइवर के ऊपर में हम कैसे लागू करें। आज के समय में देश का जवान जब जागता है तो देश पूरा सुकून से सो रहा है, वैसे ही आज के समय में ड्राइवर एक देश की रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था की हड्डी है। आज उसके ऊपर में इतना बड़ा कानून सौंप दिया कि ड्राइवर जब रात दिन जागता है तब सारी सिस्टम लोगों को मुहैया होते हैं, और खाने पीने की चीज़ों से लेकर दूध से लेकर डीजल पेट्रोल सारी चीज़ें सब ये मुहैया कराने वाला एक ड्राइवर समाज है। आज ड्राइवर समाज के ऊपर में जब इतना बड़ा फाइन ठोकेंगे 7 लाख रुपए का, तो ड्राइवर अगर 7 लाख रुपए फाइन देने के अगर काबिल होता तो सबसे पहला विषय वो ड्राइवर ही नहीं करता, कुछ तो भी अपना छोटा मोटा बिजनेस करके अपने परिवार के साथ में रोज शाम का खाना खाता। आज रात दिन ड्राइवर रोड के ऊपर में भटक रहा है, उसके बावजूद भी आज ड्राइवर के ऊपर में जो कानून लगने जा रहा है ये कानून टोटल निंदनीय है। हम शासन प्रशासन से एक ही अपेक्षा रखते हैं कि अपना कानून जल्द से जल्द वापस ले और हमारे ड्राइवर भाई जो आज जिस हिसाब से हड़ताल में बैठे हैं वो पुनः सुचारू रूप से अपने काम में लग जाए। यहाँ पर 1000 से 2000 लोग लगभग शामिल है। माननीय जिलाधिकारी साहब को निवेदन देने आए हैं कि शासन प्रशासन के पास में हमारी जो मांग है उसको जल्द से जल्द उठाए और हमको सांत्वनापूर्वक जवाब दे। नहीं लिया अभी पीछे रात को हमको मीडिया के द्वारा एक न्यूज में ऐसी खबर आई है कि शासन उस बिल के ऊपर में सुधार करने जा रही है, लेकिन क्या सुधार करने जा रही है और किस तरीके का सुधार करने जा रही है उसकी टोटल स्पष्टीकरण अभी हुआ नहीं है, इसीलिए हमारा अभी विरोध जारी है। अब ये कब तक चलेगा इसका जब तक हमको शासन का निर्देश नहीं आता तब तक तो ये मान के चलो कि बंद ही रहे। हमारे साथ में ऑटो ड्राइवर, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर सभी किस्म के ड्राइवर इसमें शामिल है। आमच्या मोर्चात लगभग 15 ते 2000च्या जवळपास लोक आहेत आणि पूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातून आले आहेत। कुठे मोर्चा काढलेला आज गोंदिया शहरात? जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आमचा मोर्चा आहे। त्यांना आम्ही निवेदन देऊन आपल्या ज्या मागण्या आहेत काला कानून जो हिट आहे त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांना निवेदन देत आहोत आणि हा कायदा मागे घेण्यात यावा असं आमच्या पूर्ण गोंदिया जिल्हा ऑटो संघटनाकडून निवेदन देण्यात येतं। आजही गाडी तुमच्या बंद आहेत, चालक लोक बंद ठेवलेले आहेत, कधीपर्यंत बंद होईल? 3 दिवस झाले आमच्या ऑटो आणि सगळ्या गाड्या बंद आहेत इथे आणि जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही व आम्हाला समाधानकारक आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही बंद राहू आणि भविष्यात आज असं झालं नाही तर आमची संघटना, ड्रायव्हर संघटना तीव्र आंदोलन करणार आहे। ठीक।